नमस्कार दोस्तों, अभी भी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर भारत में बर्फबारी और दक्षिण राज्यों में भारी बारिश के असर से पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी से अत्यंत भारी बारिश देखने को मिलेगी। कुछ घंटों के लिए ग्वालियर, भोपाल, चंबल, इंदौर के कई इलाकों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 1-2 दिन में छत्तीसगढ़ के मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में रविवार को दोस्तों भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, अलग अलग इलाकों में भारी बारिश के साथ दोस्तों ओलावृष्टि भी हो सकती है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अंदर अचानक से मौसम बदला है। मध्य प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसके चलते भारी से अत्यधिक भारी बारिश अगले 48 घंटे तक जारी रह सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिम छोर पर पोस्ट मानसून सक्रिय है। राजस्थान की तरफ एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है, इसका प्रभाव महाराष्ट्र से सटे इलाकों में नहीं हो रहा है। नए सिस्टम का प्रभाव मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, भोपाल तक है। इसी कारण यहां भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पूरी उम्मीद है कि दोस्तों 13 और 14 नवंबर को दोस्तों यहां भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के साथ दोस्तों कहीं कहीं पर ओलावृष्टि, लगभग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इस समय दोस्तों दक्षिण राज्यों का सूपड़ा साफ हो गया है, जिसमें तमिलनाडु पहला है। तमिलनाडु के अंदर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो रही है, पूरा शहर जलमग्न है, स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी है। तमिलनाडु के अलावा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों के अंदर भी भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो रही है, क्योंकि यहां पर तूफान चल रहा है। और अब मध्य प्रदेश के अंदर पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो गया है। मध्य प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने की वजह से अगले 48 घंटों तक झमाझम बारिश होगी। तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं और इस बारिश की वजह से ठंड का प्रकोप भी बढ़ जाएगा और यहां पर अति शीतलहर भी चल सकती है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश के चलते बाहर ना निकलें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।